अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कम मार्क्स हैं या उनकी मिस हो गई हैं, तो वो अब क्या कर सकते हैं? क्या वो मिड टर्म में या फाइनल टर्म में फेल हो जाएंगे? ये डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आपकी क्विज असाइनमेंट्स वगैरह गुजर चुकी हैं, उसमें जिन स्टूडेंट्स की वो रह गई हैं वो दोबारा से उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपकी ड्यू डेट गुजर जाती है तो आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने मिड टर्म के बाद आपकी पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट होंगी, तो आपने उनमें से किसी को भी मिस नहीं करना। आपकी जो मिड टर्म एक्टिविटीज़ और पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। पहली जो है वो आपकी प्री मिड टर्म एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि आपके मिड टर्म से पहले की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें आपके क्विज़ आते हैं, असाइनमेंट्स आती हैं, GDB आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद का जो सिलेबस है उसमें से आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो क्विज़ हो, असाइनमेंट हो या कुछ भी हो। आपने उनमें से किसी को भी मिस नहीं करना। ठीक है, आपने उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको अटैम्प्ट कर चुके हैं, मतलब अपनी प्री मिड टर्म एक्टिविटीज़ को, तो उनको चाहिए कि वो भी भरपूर तरीके से पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ को भी पार्टिसिपेट करें। ग्रेडिंग एक्टिविटीज़ के आपके 15-20% मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल टर्म की रिजल्ट कैलकुलेशन में जो है वो काउंट होंगे। तो जब आपके मार्क्स इनमें से आपने गेन किए होंगे तो आपके लिए पास होना आसान हो जाए। जैसे कि स्टूडेंट्स के मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पेपर को खाली छोड़ के ना आएँ। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पूछ रहे हैं कि क्या हम मिड टर्म को छोड़ के अकेले फाइनल में अपेयर हो जाएं तो हम पास हो जाएंगे, तो जी नहीं, आपको मिड टर्म में लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म की जो है वेटेज वो आपके फाइनल में काउंट होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपके जो है पास फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो मार्क्स बताए जाते हैं कि एटलीस्ट आप 8 out of 38 मार्क्स लें, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पासिंग मार्क्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने जितने कम से कम आप इतने मार्क्स ले लें कि आपकी जो वेटेज है फाइनल में काउंट हो जाए, क्योंकि 20% जो है वो आपके जो 38% में से 8 जो है वो 20% बनते हैं, पर ये पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे मिड टर्म में, उसका जो आपने उस रिज़ल्ट को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स पे। ठीक है, सपोज करें आपके 38 मार्क्स का पेपर है, तो आपने 19 मार्क्स को जो है आपने, सपोज करें आपके 19 मार्क्स आते हैं, तो 19 को आप डिवाइड करेंगे 38 पे, तो आपके पास 50% आ जाएंगे। उस 50% को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, जो कि आपके फाइनल में काउंट होगी वेटेज। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को अक्सर इस चीज़ की कैलकुलेशन में। तो आप जितने भी अच्छे मार्क्स लेंगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इस मरतबा आपको चॉइस भी दी जा रही है और आपको चाहिए कि आप जो है पेपर को खाली छोड़ के मत आएँ। अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप जो है MCQs को लाजमी अटैम्प्ट करें बजाय परेशान होने के। ठीक है, फिर भी उसके बाद में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको देख के घबराएं मत, उनको जो है आप पॉइंट्स बना के जो भी आपको समझ आ रही है 3-4 पॉइंट बना के लिख दें, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके ज़रूर मिलेंगे। बाकी उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।